दोस्तों, जब भी आप WhatsApp पे या कहीं पे भी मैसेज टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह से आप जो है टाइपिंग करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप टाइपिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊं, कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इस तरह के बेशुमार फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिंपली आपने बस टाइप करना है उसमें, और आपका जो फ़ॉन्ट है वो इसी टाइप में आपके दोस्त के पास या आपके किसी जिसे आप चैट कर रहे हैं उसके पास इस तरह के फ़ॉन्ट जाएंगे, तो अगला बंदा आपसे आदमी पूछेगा कि भाई इस तरह के कीबोर्ड और इस तरह के फ़ॉन्ट आप कैसे यहाँ पर हमें मुझे सेंड करें। तो इस तरह के मज़ेदार फ़ॉन्ट आप जो है अपने दोस्त को, गर्लफ्रेंड को या किसी को भी भेजकर आप जो है मतलब हैरान कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस तरह का फ़ॉन्ट जो है, हम इस तरह के फ़ॉन्ट हम व्हाट्सएप में या कहीं पर भी किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा कीबोर्ड, ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप मज़ेदार जो है आप मतलब के यानी कि आप जो है किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं ऐसे स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स के अंदर, जो कि आपको पहले अब नहीं पता होगा। आप यानी कि किसी के साथ भी चैट करेंगे और इस तरह के मज़ेदार यानी कि फ़ॉन्ट उसे आप जब सेंड करेंगे यानी चैट के अंदर, तो अगला बंदा आपसे लाजमी पूछेगा कि किस तरह से आपने ये किया है। तो आपको आज मैं बताऊँगा किस कहाँ से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपने लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो आपने यहां पे आई एग्री पे क्लिक करना है और नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे तो एड शो करेगा, एड को आपने स्किप करके ऊपर कंटिन्यू ऐप पे क्लिक करना है, और यहां पर आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे अगेन आपको एड शो करेगा। एड को आपने क्या करना है, ऊपर से यहाँ पे कट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अलो पे क्लिक करना है। जैसे आप अलो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको नीचे स्किप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्किप पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगेन आपको, क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको ऐड शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर गेट स्टार्ट ऐप पे आपने अगेन क्लिक करना है, और यहाँ से आपने ऐड को यानी कि क्लोज़ कर देना है, ठीक है। ऐड को मैंने यहाँ पर क्लोज़ किया। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन ऐड शो करेगा, ऐड को आपने स्किप करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कीबोर्ड स्टाइल पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है इस तरह का ऐड देखने को मिलेगा, ऐड को आपने स्किप करना है, और यहाँ पर स्टाइलिश यानी कि स्टाइलिश फॉन्ट कीबोर्ड इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड को आपने स्किप करते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल कीबोर्ड, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसे आपने स्किप करना है, क्लोज़ करना है। उसके बाद इनेबल आपने इसे अपनी परमिशंस अलाउ करनी है, तो पहले वाली ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इसकी परमिशन अलाउ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसे बैक कर लें। बैक करने के बाद यहाँ पर आपने इसे कंटिन्यू ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनेबल कीबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ से आपने उसी कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसका जो मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कीबोर्ड है वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम अपने व्हाट्सएप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कीबोर्ड जो है वो बिल्कुल इनेबल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियो मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।